एक्सरसाइज 3.3 का 11 सब देखते हैं जो हमारे पास एमसीक्यू है उसमें क्या है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर देन हमें प्रूफ करना है कि ए इनटू बी माइनस बी इनटू ए इज अ हमारे पास चार ऑप्शंस हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स सो हम इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं सो वेरी फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दी है A and B are symmetric matrix. So मैं कहेंगे क्या मतलब है? अगर मैं A का transpose करूं, तो मेरे पास A matrix C आएगी by definition of symmetric matrices. And similar way, and अगर मैं B का transpose करूं, तो भी मेरे पास matrix B ही आएगी. This is the by definition of symmetric matrix. So आगे इसमें क्या कहा है? Of same order and then prove करना है हमारे पास A into B minus B into A is symmetric matrix है कि symmetric matrix है zero matrix और identity matrix. So हम इस part को बताते हैं. अगर मैं कहूँ A B minus B A. अगर मैं इसका transpose करूँ हमारी given condition का तो हमारे पास क्या आ जाएगा? By using third property of transpose of matrix, अगर मैं किसी matrix चाहे A plus या minus B हो, जो third property हमने transpose की थी, अगर इसका transpose करूँ तो मेरे पास A का transpose क्या आएगा? अगर plus का सेंड है तो plus, minus का है तो minus B transpose. ये transpose इसे भी मिलेगा, B को भी मिलेगा. यही condition यहाँ use करते हैं. क्योंकि जब ए बी को मैं प्रोडक्ट करूंगा तो मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म हो जाएगी इसी तरह बी ए का भी जब मैं प्रोडक्ट करूंगा मेरे पास एक सिंगल मैट्रिक्स फॉर्म होगी सो मैं आई कैन से दैट यहां पे ए बी अब हमारी सिंगल मैट्रिक्स है बी ए भी हमारी एक सिंगल मैट्रिक्स है जिसे आप एक्सप्लेन कर सकते हैं ए प्लस बी की फॉर्म में अब फर्दर इसका क्या मतलब आ गया ए बी का ट्रांसपोज माइनस है माइनस बी ए का transpose ये तो हमारी थी थर्ड कंडीशन इसी तरह हमारे पास एक फोर्थ कंडीशन थी अगर कोई मेरे पास मैट्रिक्स है AB इसका प्रोडक्ट करके मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास किसकी इक्वल आता है B ट्रांसपोज इनटू A ट्रांसपोज B मेरा पहले आ जाएगा A बाद में सो अब मैं यहां पे इसको यूज कर लेता हूं इस साइड So, AB transpose is equal to BA, B transpose into A transpose. Similar way, or I can say that अगर मैं BA का transpose करूं, तो मेरे पास क्या आना चाहिए? जो second term पहले आ जाएगी, A transpose into B transpose minus A transpose B transpose. अब हमारे पास जो पहली condition given थी A, B are symmetric matrix. Now we can replace. मैं A dash को replace कर दूंगा A से and B dash को replace कर दूंगा B से. क्योंकि ये हमारे पास condition given थी. यहाँ से हम कह सकते हैं. So मेरे पास क्या आएगा? B dash को B से replace B A A dash को A से, इसमें minus A B, sorry, B dash को हमने B से replace कर दिया था. So अगर इस equation से मैं negative sign taken out ले लूँ, negative sign taken out, तो A plus B मेरा positive हो जाएगा, B into A मेरा negative. So I can write AB minus B. So यहाँ पे हमारा क्या है AB is equal to BA का whole transpose AB minus BA का whole transpose so अब हमारे पास ये result आया है अब by definition of skew symmetric matrix
हमारे पास अगर मैं इसको एक क्वांटिटी मान लूं ए बी माइनस बी ए को, लेट्स से आप किसी भी मैट्रिक्स को ले लीजिए माना सी या ए लेते हैं, ए मैट्रिक्स का अगर मैं ट्रांसपोज करूं वो किस इक्वल आएगा नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स, और हम किसी और मैट्रिक्स में समझ लेते हैं सी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करूं इज इक्वल टू आ जाएगा वो माइनस ऑफ सी मैट्रिक्स। अब अगर मैं इस पार्ट को एक मैट्रिक्स में कंसीडर करूं सो कैन आई यूज दिस रिजल्ट ट्रांसपोज ऑफ दिस होल मैट्रिक्स, यानी कि यहां पे हम ए मान लेते हैं ए इज इक्वल नेगेटिव ऑफ ए, सो यू कैन से दैट बाय डेफिनेशन हमें क्या मालूम चल रहा है, अगर आप इसको सी माने मान लीजिए सी इस ए बी माइनस बी को मैं सी मैट्रिक्स मान लूं, लेट अज्यूम कर लेते हैं समझने के लिए, और इसका अगर मैं ट्रांसपोज करूं तो मेरे पास ए बी माइनस बी को हमने क्या अज्यूम किया था सी नेगेटिव ऑफ सी, सो आप इजीली कह सकते हैं कि मेरा ए माइनस बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सो आवर आंसर विल बी ए, ए इज आवर करेक्ट आंसर।